नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शॉर्टर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोमबुक का लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी कि एक क्रोमबुक कितना टाइम चलता है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इस टाइप का। तो पहले तो आप ये समझ लो कि क्रोमबुक होता क्या है। क्रोमबुक वो लैपटॉप होते हैं जिनमें क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने बनाया है, और अगर आपको नहीं पता है कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम और क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर होता है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप आई बटन से जाके देख लो, क्योंकि ये दोनों अप्रॉक्स सेम है, 90-95% सेम है। आपको एक ग्लिम्प के लिए बता दूं कि ये जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लगभग विंडोज़ जैसा है। जैसे विंडोज़ है, हम कंप्यूटर खरीदते हैं उसमें विंडोज़ डलाते हैं, विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 डलाते हैं ना, चाहे पायरेसी करते हो चाहे पैसे देके डलाते हो, पर डलाते हैं। वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अंतर बस इतना है कि इसका यूआई अलग है, विंडोज़ का यूज़र इंटरफेस अलग है, इसका यूज़र इंटरफेस अलग है। और ये जो हमारा क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सस्ते लैपटॉप्स में, यानी कि लो एंड के लैपटॉप जिनमें हार्डवेयर पावर कम होती है, उनमें ये आता है। आज भी अधिकतर क्रोमबुक जो हैं वो 20,000 की रेंज में आते हैं। अब आने को तो इस बीच 50,000 तक भी आ गए, पर मुझे नहीं समझ में आता कि आप 50,000 का वो क्रोमबुक क्यों लेना पसंद करोगे जिसमें i3 का प्रोसेसर है, मुश्किल से 128 GB की मेमोरी है या फिर 64 GB की मेमोरी है, जबकि आपको 50,000 में i5 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर, अच्छी खासी स्क्रीन, अच्छा खासा प्रोसेसर, हो सकता है विद ग्राफिक कार्ड भी मिल जाए। क्रोमओएस के नाम में ही क्रोम है, क्योंकि ये एक ब्राउज़र सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्राउज़र सेंट्रिक यानी कि विंडोज़ में क्या होता है कि विंडोज़ एक फुल फ्लैश्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने विंडोज़ इंस्टॉल कर लिया, अब हम उस पर चाहे गेम खेलें, चाहे ब्राउज़र चलाएं, चाहे एमएस ऑफिस चलाएं या फिर पावर पॉइंट चलाएं, कोई मतलब समझ रहे हो ना, आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कुछ भी चलाएं, वो एक फुल फ्लैश्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम ओएस मुझे नहीं लगता कि फुल फ्लैश्ड है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। वो एक्चुअल में एक ब्राउज़र को ही उठाया गया है, उसी में कर्नल और बूट लोडर डाल दिया गया है, जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक चीज़ होती है जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है, उसको डाल के एक ब्राउज़र को ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। और गूगल का कहना है कि कोई भी लैपटॉप जो है, जो क्रोमबुक का है, उस पर 6.5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आपने जिस दिन लैपटॉप परचेज किया वो आपका डे वन है, नहीं, जब लैपटॉप लॉन्च हुआ वो डे वन है, और उसके बीच में आप जब भी लेते हो आप उसी टाइम स्पैन में, उसी लाइफ स्पैन में आप आओगे। यानी कि मान लो कि 2021 की जनवरी में 1 जनवरी को लैपटॉप लॉन्च हुआ, अब 1 जनवरी से उसका 6.5 साल का जो काउंटडाउन है वो चालू हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट का, सिर्फ 6.5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। अगर आप 2025 में उस लैपटॉप को खरीदते हो, सस्ता हो गया था मान लो, आपने खरीद लिया, तो आपको सिर्फ 1 साल का ही सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। गूगल ने बराबर एक लिस्ट बना रखी है जिसमें वो बताता है कि किस क्रोमबुक पे वो कब तक सॉफ्टवेयर अपडेट देगा। अब मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में इतना तो बता दिया, आप सोच रहे हो यार ये सॉफ्टवेयर अपडेट इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, समझाता हूँ। देखो, अभी मैंने बताया कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम ब्राउज़र को ही उठा के मॉडिफाई करके बनाया गया है, उसी में कर्नल और बूट लोडर डाल के। तो अब आप ये समझो कि जो ब्राउज़र्स होते हैं उनमें बहुत सारे बग मिलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी कमियाँ मिलती रहती हैं, और उनको पैच किया जाता है, पैच यानी उन कमियों को फिक्स किया जाता है, और उसके बाद ब्राउज़र का एक नया वर्ज़न रोल आउट किया जाता है कि भैया उसमें जो कमी थी उसको ठीक कर दिया है, ये लो नया वर्ज़न, ऐसा होता है, ठीक है। अब अभी तक तो बहुत सारे आए हैं, मैंने 50 तक गिनने की कोशिश की, उसके बाद का आप गिन लेना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत सारे वर्ज़न अब तक आ गए हैं। क्रोम ओएस में क्या है कि यही जो कमियां हैं, क्योंकि वो ब्राउज़र भी है तो उनमें ये सारी कमियां क्रोम ओएस में भी आती हैं, पर उनको हर 2-3 हफ्ते में एक अपडेट देके पैच किया जाता है। जब 6.5 साल बाद आपको ये अपडेट मिलना बंद हो जाएंगे तो आपके लैपटॉप को हैक करना कंपैरेटिवली इजी होगा, आपका डेटा लीक होना कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी होगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि भैया अब देखो ब्राउज़र में कौन सी कमी आई है। मान लो ब्राउज़र वर्जन 5 चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, और आपको 5 का ही लास्ट अपडेट आया है, फिर उसके बाद 1 महीने बाद हमें पता चलता है कि ब्राउज़र वर्जन 5 में ये कमियां हैं, यहां से यूज़र का डेटा लीक हो रहा है, अब आपको अपडेट तो मिलना है नहीं। हैकर्स को पता है कि भैया इसमें ये कमी है, उन्होंने क्या किया कि उन कमियों का फ़ायदा उठा के आपके लैपटॉप को हैक कर लिया, या फिर आपका डेटा चोरी कर लिया, लैपटॉप ने हैक किया, चलो डेटा चोरी कर लिया, कंपैरेटिवली ईजी है, वल्नरेबिलिटी दिख जाती है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि 6.5 साल के अपडेट के बाद आपका लैपटॉप चलना बंद हो जाएगा,
नहीं चलेगा, एकदम अच्छे से चलेगा। क्रोमबुक मैक्सिमम काम आते हैं किसके, वीडियो स्ट्रीमिंग के, टाइपिंग टेस्ट के, या फिर बच्चों को चलाने के, ब्राउजिंग के, तो उस काम में बढ़िया है। हाँ, बस ब्राउजिंग में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजेक्शन ना कीजिए और कार्ड डिटेल विटेल डालने से बचिएगा अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट खत्म हो गया है तो। उम्मीद है इस वीडियो मैंने आपको कुछ काम का बताया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नीचे से कूद काद के सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।